हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 8x+4=3x-1+7। हियर वी हैव 8x+4=3x-1+7। और इसको क्या, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट को समाप्त करना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए 8x+4 लेफ्ट हैंड साइड का जैसे वैसे हम लिख रहे हैं, इक्वल टू 3 × x कितना हो गया 3x, माइनस का साइन है माइनस का साइन देंगे, 3 × 1 कितना हो गया 3+7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे एंड वेरिएबल को एक साइड, यानी वेरिएबल को हम किस साइड में कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 8x-3x। इस 3x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -3x बन जाएगा, इक्वल टू -3+7। और इस 4 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा -4। और 8x-3x कितना हो गया 5x, और 5x इक्वल टू -3-4 कितना हुआ -7, -7+7 इक्वल टू 0। Therefore, x इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक पुटिंग x इक्वल टू 0, LHS क्या हुआ, LHS ये देखिए क्या है, इसका LHS है 8x+4 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 8x की जगह 0 आएगा, 8×0+4 इक्वल टू 8×0=4 एंड राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड कितना है 3x-1+7, 3x-1+7 इक्वल टू 3x की जगह पे क्या लिखेंगे 0-1+7 इक्वल टू 0-1 कितना होगा -1, 3×-1+7, 3×-1 कितना हो गया -3+7 इक्वल टू 4। यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 आया है एंड राइट हैंड साइड में भी 4 आया है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, कारण दोनों का वैल्यू सेम आया है एंड हिंस इट इज वेरीफाइड। नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 विदिन ब्रैकेट x+10। हेयर वी हैव x इक्वल टू 4/5 x+10। और यहां देखिए 4/5 है, इस 5 को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5×x 5x इक्वल टू 4x+10। और 5x इक्वल टू 4×x कितना हो गया 4x, प्लस का साइन है प्लस का साइन दिया, 4×10 4×10=40। और 5x-4x इक्वल टू 40। अब 5x-4x कितना होता है x इक्वल टू 40, x का वैल्यू देखिए मुझे 40 मिला। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक पुटिंग x इक्वल टू 40, LHS कितना हो जाएगा LHS, ये देखिए मेरा क्या है LHS, LHS में ओनली वन टर्म है x, x इक्वल टू जो कि वैल्यू मुझे आया है 40। एंड राइट हैंड साइड अब हम देखते हैं, राइट हैंड साइड कौन है, ये वाला टर्म देखिए राइट हैंड साइड इसको कहते हैं, इक्वल टू 4/5 x+10 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4/5 x की जगह 40+10 इक्वल टू 4/5×50, 5×10=50, 10×4=40। यहां पे आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों का आंसर कितना आया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 40 है और राइट हैंड साइड का भी 40 है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड हिंस इट इज वेरीफाइड। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8,
2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. At first, we have 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. यहाँ क्या करेंगे? Like term को हम एक साइड कर लेते हैं. यानी जिसके साथ वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं. और 2x by 3 minus 7x by 15. यानी राइट हैंड साइड से जब 7x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 7x बाई 15 इक्वल टू 3. एंड लेफ्ट हैंड साइड से 1 को हम राइट हैंड साइड में करते हैं तो क्या बनेगा? माइनस 1, 3 माइनस 1. और अब देखिए यहां क्या करना होगा, मुझे एलसीएम लेना होगा. एलसीएम कितना हो गया? 15. 3 5 जा 15, तो 2 में किससे इंटू करना होगा? 5 से. 5 2 जा 10x माइनस 15, 1 जा 15, इसे यहां क्या हो रहा जाएगा? 7x ही रह जाएगा इक्वल टू 2. और 10x माइनस 7x कितना हो गया? 3x इक्वल टू 2 इंटू 15. देयर फोर x इक्वल टू 15 टू जा 30 बाय 3 इक्वल टू 10. कारण 3 10 जा 30 होता है. अब हम इसको चेक करते हैं. चेक पुटिंग x इक्वल टू 10. LHS इक्वल टू कितना हो गया? 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 10 जा कितना होता है? 20. 20 बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू LCM कितना हो गया? 3. और ऊपर में क्या आ जाएगा? 20 प्लस 3 इक्वल टू 23 बाय 3. एंड राइट हैंड साइड देखते हैं RHS. RHS इक्वल टू कितना है? 7x बाय 15. 7x बाय 15 प्लस 3 इक्वल टू 7 इंटू 10 बाय 15 प्लस 3. यहां देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको हम आसान करने के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. अब कितना बच गया? इक्वल टू 7 2 जा 14 बाय 3 प्लस 3. एलसीएम कितना हुआ? 3. और यहां कितना? 14 1 जा 14 ही रह जाएगा प्लस 3 3 जा 9. 14 प्लस 9 23 बाय 3. यहां देखिए सिमिलरिटीज है. यहां राइट हैंड साइड कितना आया? 23 बाय 3. एंड लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? 23 बाय 3. यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है. इसे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड हिंस इट इज वेरीफाइड. नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9. 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस वाई. हेयर वी हैव 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस वाई. यहां क्या करेंगे? इस y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं. और तो क्या लिखेंगे? 2y प्लस y. यहां पे माइनस y है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बना? प्लस y इक्वल टू 26 बाय 3 और 5 बाय 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 5 बाय 3. और 2y प्लस y कितना हो गया? 3y इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है इसलिए एलसीएम 3 होगा. और ऊपर में क्या आ गया? 26 माइनस 5 और 3y इक्वल टू 21 बाय 3. देयर फोर y इक्वल टू 21 बाय 3 इंटू 3. 3 7 जा 21 इक्वल टू 7 बाय 3. चेक पुटिंग y इक्वल टू 7 बाय 3. ये देखिए एलएचएस है और इसको ले रहे हैं 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 7 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 7 2 जा 14 बाय 3 प्लस 5 बाय 3. एलसीएम 3 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 14 प्लस 5 कितना हो गया? 19 बाय 3. एंड राइट हैंड साइड अब देखते हैं. राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 26 बाय 3 माइनस वाई इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 7 बाय 3
इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 3, 26 माइनस 7, 26 माइनस 7 कितना हुआ 19/3। यहां देखें राइट हैंड साइड 19/3 एंड लेफ्ट हैंड साइड कितना है 19/3। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS एंड हिंस इट इज वेरीफाइड। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हेयर वी हैव 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 और 3m 5m को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5 और 3m माइनस 5m कितना हो गया माइनस 2m। कारण बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस 2m होगा इक्वल टू माइनस 8/5। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 8/5। ये 2 माइनस 2 जो है ये माइनस 2 जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 2 4 8 इक्वल टू 4/5। Therefore, m equal to 4/5. Now, check it. Check. Putting m equal to 4/5. LHS. LHS में देखिए क्या है, आप भी साथ में करते चले, 3m. LHS equal to 3m equal to 3 into 4/5. 4 3 12/5 equal to 12/5 हो गया। एंड राइट हैंड साइड अब हम देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 5m माइनस 8/5 इक्वल टू 5 इंटू m का वैल्यू 4/5 माइनस 8/5। यहां देखिए 5 एंड 5 कैंसिल हो रहा है लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे कारण यहां 8 का डिनोमिनेटर भी 5 है इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। इक्वल टू 5 4 का कितना हो गया 20/5 माइनस 8/5 इक्वल टू कितना हो गया एलसीएम 5। न्यूमरेटर में कितना आ गया 20 माइनस 8 इक्वल टू 12/5। यहां देखिए राइट हैंड साइड में कितना आया 12/5 एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी 12/5 आया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड हिंस इट इज वेरीफाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें जिससे कि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।